पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबो को जय यीशु। प्रभु यीशु क्रिस्त में मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है करुणा माला विनती में। हम आज अपने आप को जो भी निवेदन लेकर आए हैं, जो भी प्रार्थना मनोरथ नियोग लेकर आए हैं, हम उन सब को प्रभु के अधीन करते हैं। ईश्वर करुणामय है, दयालु है, वह हमें हर क्षण हर पल संभालता है, सुरक्षित रखता है। आज हम ईश्वर से प्रार्थना करें, जो भी ईश्वर की इच्छा है वह हमारे जीवन में, हमारे परिवार में, कलीसिया में पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम बड़ी भक्ति और श्रद्धा के साथ, विश्वास के साथ करुणा माला विनती को शुरू करें। 3 बजे की प्रार्थना। हे अति मधुर प्रभु यीशु, आपने मानव जाति के उद्धार के लिए सूली पर अपना प्राण त्याग दिया। आपके क्रूस मरण द्वारा आत्माओं की मुक्ति के लिए जीवन का स्रोत फूट निकला है और आपके पवित्र हृदय से सारी मानव जाति के लिए दया का सागर उमड़ पड़ा है। हे जीवन के स्रोत अथा ईश्वरीय दया, सारी दुनिया को अपनी करुणा से ढक ले और अपना सर्वस्व हमारे लिए अर्पित कर। प्रभु यीशु के पावन हृदय से हमारे लिए दया के स्रोत के रूप में बह निकले। हे रक्त और जल, मैं आप पर भरोसा रखता हूँ। हे हमारे पिता, आप जो स्वर्ग में हैं, आपका नाम पवित्र माना जाए, आपका राज्य आए, आपकी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। आमीन। प्रणाम मरियम, कृपा पूर्ण, प्रभु आपके साथ है। धन्य आप स्त्रियों में और धन्य है आपके गर्भ का फल यीशु। हे संत मरियम, ईश्वर की माँ, प्रार्थना कर हम पापियों के लिए अब और हमारी मृत्यु के समय। आमीन। प्रेरितों का धर्मसार। हम स्वर्ग और पृथ्वी के सृष्टिकर्ता सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर और उसके इकलौते पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त में हम विश्वास करते हैं, जो पवित्र आत्मा के द्वारा गर्भ में आए, कुंवारी मरियम से जन्मे, उन्होंने पोंतुस पिलातुस के शासनकाल में दुख भोगा, क्रूस पर चढ़ाए गए, मर गए, दफनाए गए, अधोलोक में उतरे और तीसरे दिन मृतकों में से जी उठे, स्वर्ग में आरोहित हुए और सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर के दाहिनी ओर विराजमान है। वहां से जीवितों और मृतकों का न्याय करने आएंगे। हम पवित्र आत्मा, पवित्र कैथोलिक कलीसिया, धर्मियों की सहभागिता, पापों की क्षमा, देह के पुनरुत्थान और अनंत जीवन में विश्वास करते हैं। आमीन। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस पहले भेद में प्रभु को सभी परिवारों को समर्पित करते हैं। आज परिवारों में लड़ाई झगड़े, क्लेश, वाद विवाद परिवार में फूट पड़ी हुई है। आज परिवार को तोड़ने में शैतान लगा हुआ है। आज संसार भर के हर एक परिवार में कोई ना कोई परेशानी अवश्य है। परिवारों में मेल मिलाप नहीं है, परिवारों में भाईचारा नहीं है, परिवारों में प्रेम नहीं है, परिवार एक दूसरे के साथ नहीं रहते हैं। हाँ मेरे प्यारे भाई और बहनों, प्रभु का पवित्र वचन कहता है, मत्ती 7:7, मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम समस्त परिवारों की खुशियों के लिए, सलामती के लिए, सुरक्षा के लिए प्रार्थना करते हैं प्रभु से। और जितने भी परिवार के सदस्य है, लोग है, जितने भी संसार में परिवार है, हर एक परिवारों को उनके दुख को, उनके तकलीफ को, उनके पीड़ा को, उनके दर्द को हम प्रभु को समर्पित करते हैं, प्रभु को सौंपते हैं। आज
प्रभु अपनी करुणा अपनी दया हर एक परिवार पर आप बरसाइए प्रभु, ताकि वहां पर आपकी शांति स्थापित हो जाए, आपकी उपस्थिति आ जाए और वह परिवार पुनः एक हो जाए। प्रभु आपका पवित्र वचन कहता है, जहां दो या तीन मेरे नाम पर इकट्ठे होते हैं, एक मत एक हृदय होकर, वहां मैं उनके बीच में उपस्थित हूं। प्रभु उन सारे टूटे हुए परिवारों को प्रभु आप पुनः एक कर दीजिए, एक मत एक हृदय कर दीजिए, ताकि उस परिवार में आपकी उपस्थिति हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। प्रभु यीशु परिवारों पर आप दया कीजिए, प्रभु यीशु परिवारों पर कृपा कीजिए, दया कीजिए, परिवारों को आप संभालिए प्रभु यीशु। हालेलुया, हालेलुया, आइए हम स्तुति करें, स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, दया, 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 यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर और सारे परिवारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त कर्ज में पड़े हुए हर एक परिवारों को, हर एक व्यक्तियों को प्रभु के अधीन करते हैं। आज हर एक व्यक्ति किसी ना किसी बोझ से दबा हुआ है, वह कर्ज के बोझ से होंगे, चिंता के बोझ से होंगे, परेशानियों से होंगे, अपने परिवार को लेकर चिंतित होंगे, अपने कामकाज को लेकर चिंतित होंगे, उन्होंने घर बनाने के लिए, बच्चों की पढ़ाई के लिए, कामकाज के लिए, काम को शुरू करने के लिए उन्होंने कर्ज लिया। आज परिस्थिति ऐसी हो रही है, जगह जगह बारिश हो रही है, बाढ़ के हालात हो रहे हैं और कामकाज में मंदी छा रही है और कर्ज जहाँ से लिया वहाँ से लोगों के फोन आ रहे हैं और अभद्र व्यवहार उनके साथ में किया जा रहा है। वह इस वक्त टूटे हुए हैं, दुखी है, निराश है। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आपको निराश नहीं होना है, प्रभु आपके साथ है। प्रभु कहता है, मांगो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तुम पाओगे, खटखटाओ तुम्हारे लिए खोला जाएगा। मत्ती अध्याय 7:7। आज प्रभु आपसे कहता है, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मांगो तुम्हें दिया जाएगा। आज प्रभु आपकी हर एक मांग, हर एक जरूरत पूरी करेगा। परमेश्वर आपके मांगने से पहले पिता जानता है, परमेश्वर जानता है आपको किस चीज की जरूरत है। आपको विश्वास करना है, आपको ढारस रखना है। परमेश्वर आपको सांत्वना देगा, परमेश्वर आपको सामर्थ्य शक्ति बल देगा, परमेश्वर आपको इस परिस्थिति से, इस कर्ज से आजाद करेगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, परमेश्वर के लिए कुछ भी नामुमकिन नहीं है, परमेश्वर के लिए कुछ भी असंभव नहीं है। वह आपके कर्ज को क्षण भर में दूर कर देगा, क्षण भर में। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपकी परिस्थिति को इसी वक्त प्रभु बदल देगा, क्षण भर में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आपके दुख को सुख में बदल देगा, आपकी निराशा को आशा में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करना। प्रभु आपको सामर्थ्य शक्ति देगा, प्रज्ञा विवेक देगा, ताकि आप कामकाज से अपने कर्ज को उतार सके। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे शाश्वत पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं।
यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे व्यक्तियों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, हम इस वक्त जितने भी लोग बीमार है, हॉस्पिटल में हैं, आईसीयू में हैं, बारिश के मौसम की वजह से बुखार है, सरदर्द है, शरीर में दर्द है, खांसी जुखाम है, किसी भी प्रकार की बीमारी से वह पीड़ित क्यों ना हो, उन सबको हम इस वक्त इस प्रार्थना में याद करें, उन सबको प्रभु को समर्पित करें। आपके परिवार में यदि कोई व्यक्ति बीमार है, आप उन सबको प्रभु को समर्पित कीजिए। प्रभु का पवित्र वचन कहता है निर्गमन ग्रंथ अध्याय 15 वाक्यांश 26, मैं वह प्रभु हूँ जो तुम्हें स्वस्थ करता है। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, आज आप अपने चंगाईदाता ईश्वर के पास में आएं, जो आपको हर बीमारी से मुक्त करेगा, हर बीमारी से छुटकारा देगा, आपको HIV एड्स से, मलेरिया, टीबी से, थायराइड से, बीपी, शुगर से, कैंसर से, ब्रेन ट्यूमर, ब्रेन हेमरेज से, दिल की बीमारी से, दिल में छेद है, किडनी की प्रॉब्लम हो, लीवर की प्रॉब्लम हो, लीवर एनलार्ज हो, शरीर में आपके किसी प्रकार का दर्द हो, मिर्गी की परेशानी हो, मोतियाबिंद हो, कानों से आपको सुनाई नहीं देता हो, पैरों में बल नहीं है, शरीर में बल नहीं है, आंखों से देख नहीं पाते, धुंधलापन दिखता है, शरीर के अंदर दर्द पीड़ा है, शरीर में भार है, शरीर में कंपन रहता है, शरीर पैरालाइज हो रखा है, किसी बीमारी की वजह से शरीर में फोड़े फुंसी हो रहे, गांठ हो रही है, हर बीमारी को यीशु को सौंपिए, यीशु को सौंपिए। प्रभु का वचन कहता है मैं वह प्रभु जो तुम्हें स्वस्थ करता है। आज हम अपने चंगाईदाता परमेश्वर के पास में, यीशु मसीह के पास में आए हैं। वह कहता मांगो और तुम्हें दिया जाएगा। आज हम सब हर एक व्यक्ति की चंगाई के लिए प्रार्थना करते हैं। परमेश्वर का वचन इसी वक्त आप सबको चंगाई प्रदान करे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास के साथ प्रार्थना करना मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 यीशु। विश्वास करने वालों के लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। विश्वास कीजिए, प्रभु आपको चंगाई प्रदान कर रहा है। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, 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 आराधना महिमा यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। यीशु के दान में तू भोग के द्वारा हम पर और सारे बीमारों पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर।
आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त सभी युवक युवतियों के लिए, युवा साथियों के लिए, युवा भाई बहनों के लिए प्रार्थना करें। आज उन सबको सबसे ज्यादा जरूरत प्रभु यीशु की है। आज कहीं ना कहीं वह अपने आप को अकेला महसूस करते हैं, अपने जीवन में निराश है, दुखी है, पीड़ा में है, अकेले हैं, कोई उन्हें समझ नहीं पा रहा। हर जगह से उन्हें कठोर भरे शब्द, कठोर भरी बातें सुनने को मिलती है। प्रभु का वचन कहता है, याद रखो संसार के अंत तक मैं सदा तुम्हारे साथ हूं। मैं सदा संसार के अंत तक तुम्हारे साथ हूं। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है भाइयों और बहनों, परमेश्वर आपके साथ है। आपकी जो भी दुख तकलीफ है, पीड़ा है, जो भी आपके कानों ने कठोर शब्द सुने हैं, प्रभु उन सारे कठोर शब्दों को आपके जीवन से दूर कर दे। जहां से भी आपको असफलताएं मिली है, जहां से आपके अंदर निराशा आई है, परमेश्वर उन सारी चीजों को आशीष में तब्दील कर दे, बदल दे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन कहता है, बेटा और बेटी, तुम्हारे लिए मेरे पास, मेरे हृदय में एक योजना है, तुम्हारे आशा में भविष्य के लिए, तुम्हारे हित के लिए, ना कि अहित के लिए। हालेलुया, हालेलुया। आप परमेश्वर में विश्वास करें मेरे प्यारे भाई और बहनों, परमेश्वर आपके भाग्य को क्षण भर में बदल देगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। जितने भी युवा साथी है, परमेश्वर का वचन यरमिया 29 वाक्यांश 11 से लेकर 14 वचन कहता है, तुम्हारे लिए मेरे पास एक इच्छा है, एक योजना है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इसलिए मेरे प्यारे भाई और बहनों, आप निराश मत होना, परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर आपकी देखभाल करेगा, आपकी जरूरतें पूरी करेगा, आपके परिवार को संभालेगा, आपको रोजगार देगा, आपकी नौकरी की व्यवस्था करेगा, परमेश्वर आपको प्रमोशन देगा, आपकी सैलरी को बढ़ाएगा। जहां कहीं पे भी आप काम कर रहे हैं, आपकी यात्रा को, आपके कामकाज को परमेश्वर आशीर्वाद देगा। हालेलुया, हालेलुया। आपके जीवन में इस वक्त किसी प्रकार का दुख है, तकलीफ है, पीड़ा है, परमेश्वर अपने शब्द मात्र से सारी गिला शिकवा, जो भी आपके अंदर दर्द है, पीड़ा है, दुख है, क्षण भर में दूर कर देगा और आपको सच्ची शांति प्रदान करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम सब मिलकर विश्वास के साथ स्तुति करें, ताकि हम सब चंगे हो जाए, आजाद हो जाए, हर बंधनों से छुटकारा पाए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु स्तुति, 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 आराधना में यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद, थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, 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 हालेलुया। महिमा, महिमा यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हालेलुया, 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 हालेलुया यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु, धन्यवाद, धन्यवाद यीशु। हे शाश्वत पिता, हम आपके परमप्रिय पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे युवाओं पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। आइए मेरे प्यारे भाई और बहनों, हम इस वक्त
जितने भी लोग हमारे साथ इस प्रार्थना में भाग ले रहे हैं उन सब के लिए विशेष प्रार्थना करें। उन सब के जरूरतों को, निवेदनों को प्रभु के चरणों में हम समर्पित करते हैं, चढ़ाते हैं। शांति का राजा चैनल से जुड़े हुए हर एक परिवारों को, विश्वासी भाई बहनों को हम प्रभु के अधीन करते हैं। जितने भी संसार में मिनिस्ट्रीज है, जितने भी चैनल्स है, जितने भी संस्थाएं हैं, उन सब को हम प्रभु के अधीन करते हैं, ताकि परमेश्वर की जो योजनाएं हैं, इच्छा है, वह उनके द्वारा पूरी हो। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन सब की देखभाल करे, उनकी देखरेख करे, उनकी जो भी जरूरत है, आर्थिक हो, उनके टीम मेंबर हो, स्थान हो, जगह हो, उनके कामकाज को, हर एक इक्विपमेंट को परमेश्वर ब्लेस करे। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर उन्हें आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करे, और साथ में हम समस्त कलीसिया को प्रभु के हाथों में चढ़ाते हैं, ताकि परमेश्वर कलीसिया को, कलीसिया के लोगों को ब्लेस करे, अपनी इच्छा के अनुसार आगे बढ़ाए। परमेश्वर उन्हें अपने स्वर्गदूतों के पहरे में रखे। परमेश्वर हर एक व्यक्ति को, हर एक प्रचारकों को परमेश्वर अपने लहू से ढक ले, ताकि जब भी वह वचन की घोषणा करे, पवित्रता के द्वारा, पवित्रता के साथ और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर वह घोषणा करे। हालेलुया, 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 हालेलुया। और परमेश्वर की इच्छा जो है, उस इच्छा के अनुसार हम अपना जीवन व्यतीत कर सके। हम संत पापा फ्रांसिस के लिए, सभी कार्डिनल्स, धर्माध्यक्ष, सभी पुरोहित भाई बहन, सभी धर्मसंगी बहन, सभी विश्वासी भाई बहन, हर एक व्यक्ति को हम प्रभु के चरणों में समर्पित करते हैं, और उन सब को यीशु के लहू के बाड़े में सुरक्षित करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। आइए हम स्वतंत्र होकर ईश्वर की स्तुति करें। हालेलुया, 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 हालेलुया। यीशु, यीशु, स्तुति, 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 स्तुति। जो भी निवेदन, जो भी प्रार्थनाएं, जरूरतें लेकर आप आए हैं, परमेश्वर आपकी हर एक जरूरतें, हर एक इच्छाएं अवश्य पूरा करेगा, सुनेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। परमेश्वर आपको सांत्वना देगा, आपके आपके परिवार को आशीर्वाद देगा, आपके कामकाज को ब्लेस करेगा, आपकी मिनिस्ट्री को ब्लेस करेगा। हालेलुया, 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 हालेलुया। आपके जो भी पर्सनल निवेदन है, प्रभु उसे स्वीकार कर रहा है, सुन रहा है, मेरे प्यारे भाई और बहनों। हालेलुया, 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 हालेलुया। हे आशीष पिता, हम आपके परम प्रिय पुत्र, हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के शरीर और रक्त, आत्मा और ईश्वरता को अपने और सारे संसार के पापों के प्रायश्चित के लिए आपको चढ़ाते हैं। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। यीशु के दान में दुख भोग के द्वारा हम पर सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। हे परम पावन, हे सर्वशक्तिमान, हे शाश्वत ईश्वर, हम पर और सारे संसार पर दया कर। करुणा के लिए प्रार्थना। हे प्रभु ईश्वर, हमारी रक्षा कर, आपके पुत्र पुत्रियों पर करुणा कर, हम और हमारे माँ बाप, भाई बहन, हमारे अधिकारियों और नेताओं के द्वारा जो भी पाप, अधर्म और अपराध हुए हैं, उन्हें क्षमा कर दे, हमें दंड ना दे, हमारे कर्ज माफ कर दे,
हे करुणा सागर प्रभु, अपने पावन लहू से हमें और हमारे परिवारों और हमारे सब वस्तुओं का अभिषेक कर आप हमें अपना बनाकर आपके पवित्र आत्मा द्वारा संचालित करें। आमीन। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। सबों को जय यीशु। जय यीशु।